अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर आबिद काजमी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ डू वी मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल्स। बेसिकली मैंने इस टॉपिक को दो अलग अलग वीडियोस या दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये पहली वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक मोनोमियल, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, उसको पॉलिनोमियल से डिवाइड मल्टीप्लाई किया जाता है। और फिर उसके अगले पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब हम पॉलिनोमियल की मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, तो बिलीव मी आपको कोई नई स्किल या नया कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अच्छी तरह आते हो, तो उन्हीं को हम कंबाइन करके यूज करेंगे और हम पॉलिनोमियल्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो उनमें पहला टॉपिक है आपके पास कि पॉलिनोमियल्स को किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है। मैंने आपके सामने स्क्रीन पे दो मोनोमियल्स रखे हैं, 2a² और दूसरा है 3a⁵। ये दोनों मोनोमियल्स हैं, दोनों में एक एक टर्म है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह आता है कि किस तरह इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है जी। तो जल्दी से इनको मल्टीप्लाई कीजिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। बहुत आसानी से इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि आपको मोनोमियल की मल्टीप्लीकेशन आती है पहले से। लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं कि जब इस तरीके से मोनोमियल, मतलब एक टर्म वाला पॉलिनोमियल, कि इसमें भी एक टर्म है सिर्फ और इसमें भी सिर्फ एक टर्म है, तो इसको मोनोमियल कहते हैं। कैसे इनको मल्टीप्लाई करते हैं? जब भी मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम उनके कोफिशियंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उनके जो वेरिएबल पार्ट्स हैं उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेप है नॉर्मली किया नहीं जाता क्योंकि इसकी जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ये स्टेप लिख दिया है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, कोफिशियंट्स को मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपली आंसर आएगा 6, और जब वेरिएबल पार्ट्स को कंबाइन या मल्टीप्लाई करने की बात आती है तो हम यूज करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मतलब लॉ ऑफ मल्टीप्लाइंग पावर, जो ये कहता है कि अगर आपके पास दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी बेसिस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो वही केस हमारे सामने यहां आ रहा है कि दोनों की बेस a है, तो हम a को 1 टाइम लिखेंगे और इसके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, तो 2 को 5 से प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 7, ठीक है जी। तो ये हमें किस तरीके से मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, जो टॉपिक आपको ऑलरेडी आना चाहिए वो हमने एक बार रिकॉल कर लिया है, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इस लॉ के बारे में जो हमने अप्लाई किया है वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हुए, तो मैं अपनी एक वीडियो यहां टॉप पे दे रहा हूं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी, तो आप उस वीडियो को रोक के पहले उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए जी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था कि दो टॉपिक्स हैं जो आपको ऑलरेडी आने चाहिए, आप उन्हीं को यूज करेंगे। पहला तो मोनोमियल का, उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो हमने देख लिया। अब देखते हैं उस सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। वो ये कहता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स प्लस हो रहे हो, जैसे 2 प्लस हो रहा है 3 के साथ, और एक नंबर जैसे 4 उनसे आके मल्टीप्लाई हो, तो उस 4 को उन दोनों नंबर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट या मल्टीप्लाई किया जाएगा। मतलब यह है कि ये 4 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 4 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसको बेसिकली हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आप अच्छी तरह से नंबर्स के अंदर फॉर्म में पढ़ चुके हैं, तो आप जल्दी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए कि इन 4 में से कौन सी एक्सप्रेशन है जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद इस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट होगी या बराबर होगी। ओके, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपके लिए, आपने इजीली आंसर दे लिया होगा क्योंकि मैं ये रिकॉल करवा चुका था कि ए 4 जो है वो पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा और फिर दोनों के प्रोडक्ट्स को प्लस किया जाएगा। तो ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये इस एक्सप्रेशन की इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 4 पहले 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर बीच में प्लस आ रहा है और फिर 4 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें पता है कि ये दोनों एक्सप्रेशंस क्या हैं, आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है जी। तो अब हमें पता चल गया कि ये दोनों एक्सप्रेशंस आपस में इक्विवेलेंट है। अब इस ये जो नंबर के साथ एक्सप्रेशन है, अब मैंने ये एडिशन पे आपको करवा के दिखाया है, हमें यहाँ पे ये रिकॉल करवाता चलूं कि ये सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी काम करता है कि अगर ए ये जो 2 और 3 है इसके बीच में प्लस नहीं बल्कि माइनस होता तो ये बिल्कुल इसी तरह 4 डिस्ट्रीब्यूट होता, जस्ट उनके प्रोडक्ट के बीच में भी माइनस का साइन आना था, प्लस नहीं आता,
ठीक है, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना आपको आती है, मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं, अब हम चलते हैं अपनी पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो मैं आपको एक पहला सवाल दे रहा हूं, एक मैं टर्म दे रहा हूं आपके सामने, ये जो चीज लिखी हुई है इसके अंदर भी 4a एक क्या है, 4a क्या है, एक मोनोमियल है, एक टर्म है, ये जो है इन इस एडिशन के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई का साइन तो है नहीं, तो ये बात आपको पता है कि एलजेब्रा में जहां कोई साइन नहीं होता वहां मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, क्योंकि अलजेब्रा में मल्टीप्लीकेशन एक डिफॉल्ट ऑपरेशन है, तो जहां भी मल्टीप्लीकेशन आता है तो वहां हम उसको लगाते नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियस होता है कि वहां मल्टीप्लीकेशन है। इन शॉर्ट ये जो 4a है एक मोनोमियल है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इन दो टर्म्स वाले पॉलिनोमियल के साथ, तो अगेन इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से जो अभी हमने नंबर्स पे देखी। तो अब जल्दी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कहती है वो क्या कहती है, 4a को 2a स्क्वायर के साथ पहले मल्टीप्लाई किया जाए और फिर 4a को 3b टू द फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और फिर उन दोनों आंसर्स को ऐड कर दिया जाए। तो अब जल्दी से इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज कीजिए और मुझे बताइए कि इन चार में से कौन सी एक्सप्रेशन है जो इस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट आएगी, मतलब बराबर आएगी। चलिए जी, बहुत आसान सवाल था और इजीली आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि ये जो थर्ड एक्सप्रेशन है विच इज 4a टाइम्स 2a स्क्वायर्ड प्लस 4a टाइम्स 3b टू द फोर्थ, ये आपके पास इक्विवेलेंट आएगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि पहले पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और फिर दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है जी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से तो हमें इसका पहला स्टेप मिल गया और हमें ये पता चल गया ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये बराबर है इसके। ठीक है जी, तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब ये जो आपके पास सामने दूसरी एक्सप्रेशन आ रही है, दूसरी जो आपके पास स्टेप है, इसमें अगर आप गौर से देखें तो कुछ नया नहीं है, बल्कि आपके सामने दो मोनोमियल्स की मल्टीप्लीकेशन है। यहां पे ये दो मोनोमियल्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी तरह यहां पर भी ये दो मोनोमियल्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मोनोमियल्स की मल्टीप्लीकेशन हम इस वीडियो के पहले ही सवाल में एक बार रिकॉल कर चुके हैं। तो चले अब उसको दोबारा से परफॉर्म करते हैं, वन बाय वन करते हैं, पहले इस मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म कर लेते हैं। अगेन हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे मोनोमियल से, तो कोफिशियंट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 times 2 equals 8, और वेरिएबल फैक्टर्स को जब कंबाइन करेंगे तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, बेसिस सेम है, बेस वन टाइम आएगी और पावर्स को ऐड किया जाएगा। यहां पे पावर कुछ नहीं है, मतलब वन है, तो 1 plus 2 आंसर क्या आना चाहिए, यस आंसर आया 3, तो 8a cubed इनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया। जिस तरह से हमने इन दोनों मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह ये जो बाकी के दो मोनोमियल्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको भी हम इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोफिशियंट्स को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 4 times 3 equals 12, और जब वेरिएबल फैक्टर की तरफ आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहां लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, इनकी बेसिस डिफरेंट है, तो क्योंकि ये आपस में इनके एक्सपोनेंट्स को आप कंबाइन नहीं कर सकते, तो आप इन दोनों को ऐसे ही आंसर में लिख देंगे, ए भी अपनी पावर 1 के साथ वैसे ही आ जाएगा और बी भी अपनी पावर 4 के साथ वैसे ही आंसर में आ जाएगा। तो अब हमने ये जो दो मल्टीप्लीकेशन थी ये कर ली है, और इन दोनों मल्टीप्लीकेशन के बीच में क्या साइन था, प्लस का साइन था, तो वो ऐसे ही इनके आंसर्स के बीच में भी हम कॉपी कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की जो हमें पहले से आती थी, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और उसके बाद हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल किया जो हमें पहले से आता था। ठीक है जी, तो क्योंकि यहां पे हमने डी मास रूल भी अप्लाई किया है कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद प्लस करते हैं, तो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। क्या हम इन दोनों टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐड, क्योंकि ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स नहीं है। यहां पे वेरिएबल है ए स्क्वायर्ड, जबकि यहां पे वेरिएबल है ए इंटू बी टू दी फोर्थ, तो वेरिएबल्स डिफरेंट है, हम इनको फर्दर ऐड नहीं कर सकते। तो हमारे पास आंसर आ चुका है कि हमारे पास ये जो गिवन एक्सप्रेशन थी, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8a cubed plus 12ab to the 4th। ठीक है जी, तो अगेन मैं रिकॉल करवाऊंगा कि मैंने कोई नया काम नहीं किया, बल्कि वही काम जो हमें पहले से आता था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की और मल्टीप्लाई किया मोनोमियल्स को। तो अब आप देख चुके हैं कि किस तरह एक मोनोमियल को एक पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं लाइक दिस, 5xy एक मोनोमियल है, यह मल्टीप्लाई हो रहा है इस पॉलिनोमियल के साथ विच इज एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर्ड। तो इसको वीडियो को यहां पे पॉज कीजिए और इसको सिंप्लीफाई कीजिए खुद से,
और जब तक कंप्लीट ना हो जाए वीडियो को प्ले मत कीजिएगा। वीडियो का ड्यूरेशन लंबा ना हो इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूं, लेकिन अगर आपने अब तक सॉल्व नहीं किया तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना पूरा टाइम लीजिए और इसको प्रॉपरली सॉल्व कीजिए। चलिए जी, हमें पता है कि जो मोनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा होता है किसी पॉलिनोमियल से, तो अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें उसको तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब 5xy x स्क्वायर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको भी एग्जाम करके लिख देते हैं कि 5xy x स्क्वायर्ड से मल्टीप्लाई हो रहा है। यही जो है ये सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो हम इनको भी एक जगह करके लिख देते हैं, और इसी तरह ये थर्ड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको भी एक जगह करके लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव की टर्म थी तो देखिए मैंने नेगेटिव का साइन साथ रख दिया है ताकि एरर ना आए कोई। चलिए जी, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, अब हमें वन बाय वन मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टू मोनोमियल्स, 5xy को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर्ड के साथ। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5x³y, और वो इस तरह कि 5 कोफिशियंट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे है 5 और यहां पे है 1, 5 1 टाइम्स 5 आएगा, हमने 5 लिख दिया। नेक्स्ट वेरिएबल पार्ट्स की तरफ चलते हैं, तो यहां पे x की पावर है 1 और यहां पे x की पावर है 2, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से हम इनकी पावर्स को ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 हमारे पास आ गया x की पावर 3 या x क्यूब्ड, और y की पावर यहां पे 1 है, यहां पे y मौजूद नहीं है तो y की पावर 1 ही हमारे पास आंसर में आ गई। ठीक है जी, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द मोनोमियल्स, ये हमारे पास नेक्स्ट मोनोमियल्स है, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10x स्क्वायर्ड y स्क्वायर्ड, और वो इस तरह के पहले कोफिशियंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स 2 इक्वल्स 10, और फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करके वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स को अगर बेस सेम होगी तो ऐड करेंगे। तो यहां पर भी देखें, यहां पे x की पावर 1 है, यहां पे भी x का एक्सपोनेंट 1 है, तो 1 और 1 प्लस होके x स्क्वायर्ड हो गया, यहां पर भी y का एक्सपोनेंट 1, यहां पे भी y का एक्सपोनेंट 1, तो बेस 1 टाइम आई और 1 प्लस 1 y का एक्सपोनेंट हो गया 2, मतलब y स्क्वायर्ड हो गया। इसी तरह से ये लास्ट की दो टर्म्स है हमारे पास, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 5xy क्यूब्ड, और वो इस तरह कि यहां पे कोफिशियंट है 5 और यहां पे कोफिशियंट क्या है 1, नहीं यहां पे कोफिशियंट है नेगेटिव 1, माइनस का 1 यहां पे है, तो पॉजिटिव 5 जब नेगेटिव 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा नेगेटिव 5। ठीक है जी, उसके बाद एक्सपोनेंट को वेरिएबल्स की तरफ चलते हैं, यहाँ पे x जो है मौजूद है, यहाँ पे नहीं है तो x ऐसे ही कॉपी हो गया, जबकि y दोनों जगह मौजूद है तो बेसिस सेम है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से एक्सपोनेंट्स को ऐड किया जाएगा, तो यहाँ पे y की पावर 1 और यहाँ पे y का एक्सपोनेंट 2, 1 प्लस 2 इक्वल्स y टू दी थर्ड या y क्यूब्ड के बराबर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने इस सिंप्लीफाई किया एक मोनोमियल को, जो एक टर्म वाला पॉलिनोमियल था उसको एक तीन टर्म वाले मोनोमियल्स के साथ पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया, और मैं अपने क्लेम पे कायम हूँ कि हमने कोई नई चीज़ नहीं की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें पता था पहले से, हमने वो अप्लाई किया और उसके बाद मोनोमियल्स को वन बाय वन हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होती तो हम करते, लेकिन ये क्योंकि अनलाइक टर्म्स हैं तीनों, हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। अब तक हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि मोनोमियल को किस तरह पॉलिनोमियल से डिस्कस किया जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि पॉलिनोमियल को किस तरह किसी दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया जाता है, और यहां पर आपको मैं अपलोड कर दूंगा उस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप यहां क्लिक कीजिए और आपको नेक्स्ट वीडियो यहां पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो विद मी।